नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं आप लोगों को एक ऐसी खबर से अपडेट करवा रहा हूं जिसका आप लोग बेहद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मैं इस टाइम पर हूं सीढ़ी के उस छोर पर जहां अगर इस सुरंग के अंदर मैं घुस जाऊँ तो रीवा निकलूँगा और अगर उस छोर से घुस जाऊँ तो सीधी निकलूंगा। लेकिन आखिर में सीधी की दूरी क्या होगी और रीवा की दूरी क्या होगी, जहां पर आपका एक सबसे खूबसूरत एक ऐसा आधुनिक सुरंग देखने को मिलेगा जिसके अंदर कैमरे भी हैं, तो जिसके अंदर लाइट भी है और जिसके अंदर डायवर्सन भी है कि हम चेंज कर सकते हैं रूट, सारी फैसिलिटी के साथ बहुत ही बेहद ही खूबसूरत सुरंग देखने को मिलेगा जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सुरंग माना जा रहा है, जहां आप लोगों को ये सुरंग निकल के जो अंदर अंडरग्राउंड जो रोड बनी हुई है बेहद खूबसूरत देखने को मिलेगी, जो पहाड़ के अंदर से और पहाड़ के बाहर निकलती है, यानी कि सीधे लगभग कम से कम 5 से 10 किलोमीटर की दूरी को सीधे ये 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर में तब्दील कर देती है। तो पहले तो आप लोगों को हम ये दिखाएंगे कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं अभी फ़िलहाल सीधी के बॉर्डर पे खड़ा हूँ और सीधी के बॉर्डर से देखूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा भी कि आप देख रहे होंगे कि लिखा है NH39। गौर करिएगा, जो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, लिखा है NH39 रीवा 35 किलोमीटर, यानी कि 35 किलोमीटर यहां से अगर मैं रीवा जाऊंगा तो करेक्ट 35 किलोमीटर डिस्टेंस है और हमारे जस्ट पीछे यहां से 100 मीटर के रेंज पर, जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से 100 मीटर के रेंज पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी एक सुरंग। ये एक ऐसी सुरंग है जिसमें आप इसके अंदर जैसे ही जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो कुछ देर बाद ही आपको रीवा देखने को मिलेगा। वैसे ही आप लोगों को दूसरी तरफ भी बोर्ड लगा है, तो आप लोगों को हम ये दिखाएंगे कि जहां पर मौजूद हूं यहां से जो रीवा का डिस्टेंस है तो वो तो ठीक है कि 35 यानी कि 35 दिखाई दे रहा, लेकिन यहीं से हम सीढ़ी का डिस्टेंस देखेंगे कि आखिर में सीढ़ी का डिस्टेंस क्या है। तो आप लोगों को मैं सीढ़ी का भी डिस्टेंस दिखा रहा हूं, सीढ़ी के डिस्टेंस से भी अपडेट करवाऊंगा कि सीढ़ी यहां से कितने किलोमीटर दूर पड़ेगी सुरंग से। तो आपको मैं दिखाऊंगा, आप देख पा रहे होंगे इस बोर्ड में जो ये खंभा यहाँ पर लगा हुआ किलोमीटर का, आप स्पष्ट देखिए कि लिखा है NH39 सीधी 36, एक तरफ रीवा 35 और दूसरी तरफ सीधी 36। आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि सीधी का जो डिस्टेंस है यहाँ से अगर आप जाएंगे तो लगभग 36 किलोमीटर आपका सीधी पड़ेगा। 35 किलोमीटर आपको रीवा और 36 किलोमीटर आपका सीधी, यानी कि करेक्ट 71 किलोमीटर का डिस्टेंस आप लोगों को सीधी और रीवा के बीच का दिखाई देगा, जो कि बाईपास से गुजरते हुए आप जाएंगे और गुड़ रोड से ही निकलना होगा आप लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो कभी 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर का रेंज था वो अब करेक्ट 71, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो है 71 किलोमीटर की दूरी बन जाती है और ये जो 71 किलोमीटर की दूरी है वो बेहद खूबसूरत भी बन जाती है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के ये पूरा एक पार्क तैयार किया जा रहा है जो रोड के बीच में होगा, जो बेहद खूबसूरत फूल भी लगाए जा रहे हैं, जो हरे लाल पीले जो खिलेंगे एक दिन, ऐसा वक्त देखने को मिलेगा। और मैं पीछे घूमूंगा जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि एक साइड फिर इधर लाइटें भी देखने को मिलेंगी। और अब चलते हैं, आप लोगों को हम दिखाते हैं, प्रवेश करेंगे उस सुरंग की तरफ, चलेंगे और सुरंग में देखेंगे कि आखिर में सुरंग का क्या हालत है, कब तक रेडी हो जाएगी और कब मुझे वो वहाँ से सभी जनता को प्रवेश करने के अनुमति मिलेंगे और वो कब रेडी होगी कि कब यहाँ से हम लोग सफ़र करेंगे और प्रवेश करने का मुझे भी अनुमति देते हैं या नहीं, ये भी हम देखेंगे। तो लगातार आप जुड़े रहिएगा तरंग न्यूज़ के साथ और देखते रहिए कि आखिर में सुरंग का डिस्टेंस कितना है, कितने मिनट में हम सुरंग को पार कर लेते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को हम दिखाएंगे और कितने किलोमीटर का सफ़र होता है एग्जैक्ट बताएंगे। लगातार बने रहिए तरंग 24 न्यूज़ के साथ, सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा। आप लोगों को जो देखने को मिलेगा यहाँ पर, जहाँ मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ, ये वो सुरंग है जिसको आप लोग देखने के लिए ललायित हैं कि आखिर ये सुरंग कंप्लीट कब होगी और कब मुझे मिलेगी। जहाँ आप लोगों को कुछ अंदर की भी वीडियो देखने को मिलेगी, जो कल आप लोगों को कुछ फेसबुक पर भी देखने को मिला होगा और वो आप
अपडेट होंगे इस बात से कि ये 2.5 किलोमीटर का पुल यानी कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर डिस्टेंस को माइनस करके सिर्फ 2.5 किलोमीटर का बन जाता है, जहां की ये सुरंग जो है, सुरंग के अंदर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहा है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। इसका लाइट और पंखा और कैमरा अभी तक लग रहा है इसमें, जब ये रेडी होगा तभी आप लोगों को मिलेगा। हालांकि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा पूजा पर पूरी तरीके से आज कार्य भी लगातार कर रहे हैं लोग, काम जारी है। और यहाँ पर ये भी देखने को मिल पा रहा है कि ढेर सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कि रीवा से क्रॉस करके डायरेक्ट सीधी आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सीधी से रीवा जा रहे हैं। पूरी अपडेट स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि क्या पूरी कहानी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग कह रहे थे कि इसके अंदर चोरी होगी, डकैती होगी या और कुछ होगा, अगर कोई जा रहा है तो फंस सकता है, वैसी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी लगी हुई है, लगातार लाइटें लग रही हैं, पंखा भी लगा हुआ है ताकि यहाँ इंसान सांस भी ले सके। ऐसा नहीं है कि यहाँ सांस ना मिले लोगों को। और एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि शायद इसके अंदर नेटवर्क का इशू होगा, कि नेटवर्क शायद फ़ोन में ना रहे, वो भी यहाँ पर हम जानकारी लेंगे कि आखिर नेटवर्क रहेगा या नहीं। हालांकि अभी तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें नेटवर्क रहेगा या नहीं रहेगा, जहाँ आप लोगों को अपडेट करवाऊँगा जल्द ही। अब देखना ये होगा कि पुल जो है कब तक कम्प्लीट होके कब ये हैंड ओवर होगी और कब इस पर जो है जनता इस पर सफ़र करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, जहां आप चलेंगे इसके अंदर और देखेंगे कि इसका डिस्टेंस क्या है। जहां आप लोग मीटर में देख पा रहे होंगे कि इस टाइम पर गाड़ी जो है 29,358 किलोमीटर चल चुकी है, और 6:18 टाइमिंग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और अब हम लोग सफ़र शुरू कर चुके हैं, जहाँ कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अब एंट्री कर चुके हैं इस सुरंग के अंदर, और सुरंग के अंदर की सीन आप लोगों को दिखाई दे रही है। और सुरंग के अंदर जो है तो लाइटें भी लगी हुई हैं और डायवर्सन भी दिया हुआ है, जहां आप देख रहे हैं अभी जो मैं पहला डायवर्सन क्रॉस कर रहा हूं। और यहां पर अभी जो है तो अंडर कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिल पा रहा है कि अभी भी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर जो लाइट का काम चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ से लोगों का आना जाना बना हुआ है। और जो ये आप देख रहे हैं, मैं लगभग गाड़ी 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, जहाँ 40 की स्पीड से क्योंकि मैं पहली बार इस सुरंग के अंदर आ रहा हूँ, और सुरंग के अंदर का जो सीन आप देख रहे हैं पहली बार आपको तरंग न्यूज़ पर देखने को मिल रहा है। ये अभी तक आप कहीं भी किसी भी न्यूज़ चैनल पे आप लोगों को ये सुरंग देखने को नहीं मिला होगा। ऊपर देख रहे हैं कि पंखे भी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ लाइट का भी काम चल रहा है, कैमरे का भी काम चल रहा है, जो ये सीन आप लोगों को दिखाई दे रहा जहाँ आप लोग चलते हुए देख रहे हैं। हालांकि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके अंदर अभी बड़ा कूलिंग फील हो रही है, ठंडा ठंडा फील कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी यहाँ जो है ऊपर से कुछ पानी जैसे भी फील हो रहा है, कि ऊपर जो सीपेज हो रहा है ऐसा कुछ महसूस हो रहा। और इस ठंडक की जो वजह है वो है जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये डायवर्सन है, जो आप अगर मुड़ना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, उसके लिए आपने ये जो रास्ता देखा वो ये था, जो ऐसे लगता है कि जैसे कोई गुफा के अंदर की जो महलों के अंदर जो होता है आने जाने के लिए कोई दरवाज़ा द्वार, उस तरीके से बनाया गया है टोटल सुरंग ये जो आप देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मैं कितने मिनट में इसको क्रॉस कर जाता हूँ और कहाँ तक लगभग कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो आगे चल के हम आपको फिर से मीटर दिखाएंगे कि मीटर पे आप देख सकते हैं कि मीटर की कितने डिस्टेंस हमने कंप्लीट की और कितने मिनट लग रहे हैं, वो भी आप लोगों को दिखाई देगा। तो चलिए अब आगे चल रहे हैं, तो देखते ही चलिए कि आखिर में कितना टाइम लगने वाला है। मैंने बताया आपको कि 40 की रफ्तार से हम चल रहे हैं, 35 से 40 की जो ये रफ्तार है उस रफ्तार में कितने मिनट में हम सुरंग क्रॉस कर रहे हैं, लगातार बने रहिए।
जैसे कि एक बड़ी रोशनी सामने आप लोगों को इस सुरंग के अंदर से ही दिखाई दे रही होगी। हालांकि ये एक डायवर्सन है, जहां आप देख रहे होंगे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां से एक डायवर्सन है। इसके बाद एक बड़ी जो रोशनी दिखाई दे रही है वो समझ लीजिए कि आपका रीवा है, यानी कि बॉर्डर रीवा को मैं टच कर रहा हूँ। मात्र सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक 3 मिनट हुए होंगे, 2 से 3 मिनट, और चौथे मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग चौथे मिनट में ही पहुंच जाएंगे सुरंग के चलते। सिर्फ 3 से 4 मिनट 40 की रफ्तार से रीवा बॉर्डर पे। एक तरफ हम अभी अभी एंट्री किए हैं, जहां आप लोग देखिए कि सीधी था, और दूसरी तरफ यूं चंद मिनटों में हम पहुंच रहे हैं रीवा, जहां की सिर्फ 2 किलोमीटर क्रॉस कर रहे हैं, 2.2 से 3, यानी कि कह सकते हैं आप लोगों को जो हम बता रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर के रेंज के अंदर है। 2.5 किलोमीटर को क्रॉस करने के बाद हम लोग तत्काल ही पहुंच जाते हैं रीवा, और अब ये पहुंच ही रहे हैं जहां आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये आ चुके हैं हम लोग सुरंग क्रॉस करके बाहर, ये आप देख रहे हैं सुरंग के पास से। अब आप लोगों को अगली रिपोर्ट में मैं क्या दिखा रहा हूँ वो भी जानिए कि क्या कैसे और कांटा क्या है। इसका इस गाड़ी का डिजिटल मीटर है, आप देख सकते हैं कि 29,360 दिखा रहा है, और इसमें 6:24 टाइमिंग जो बता रहा है, इसमें 6:24 बता रहा है गाड़ी का, और इसमें जो दिखा रहा है 2 मिनट हम लोगों को वहां पर हेलमेट और सारी चीजें तैयारी करने में लगे। मात्र 4 मिनट में मैं सीधी से रीवा पहुंच गया। अब रीवा के बॉर्डर जो है मैं सीढ़ी का क्रॉस करके अब बाहर हूँ। जो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर सुरंग के अंदर से जब मैं बाहर निकला तो किस तरीके का अंदर का सुरंग का हाल था, और यहाँ पर हमारा वाइट टाइगर, जहाँ आप लोगों को पता है कि वाइट टाइगर का मतलब है बिंद, और बिंद का मतलब सीढ़ी, और रीवा, रीवा को कहा जाता है बिंद। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर रीवा लिखा हुआ, रीवा सीढ़ी मोहनिया सुरंग जो है यहाँ पर जो बना हुआ है बेहद खूबसूरत बना हुआ है। यानी कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में जो है देखा ये जा रहा है कि इस टाइम पर चीता को लाया गया, और चीता के तरीके से ही इसका जो है डिज़ाइन किया गया इस सुरंग का, जो कि काफ़ी खूबसूरत और शानदार बनाया गया है, और इस पर लगभग अरबों की लागत लगी है। अरबों की लागत से ये सुरंग बना है, जिसको आप मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है चुटकियों में पूरा कर लेते हैं। जहां आप लोगों को मैं जो सफ़र ये देखने को मिलेगा वो 40 की रफ्तार से, 30 से 40 की रफ्तार से मैं आया हूं, क्योंकि पहली बार आया हूं तो ये लग रहा था कि कहीं कुछ अंधेरा भी था तो किस तरीके से होगा, तो इसके लिए जो है। लेकिन आगे आने वाले टाइम पर जब पूरी तरीके से लाइट लग जाएंगी तो आप ये समझ लीजिए कि 2.5 किलोमीटर को आप सिर्फ 2.5 मिनट या 2 मिनट में क्रॉस कर लेंगे, और 2 मिनट क्रॉस करते ही आप सोचिएगा कि किस तरीके से आप लोगों को सफ़र देखने को मिलेगा। ऐसी खास खबरों के साथ बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर, फिर मिलता हूँ बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तरंग न्यूज़ की जो ये पहल रही, जो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अपडेट देखने को मिली, कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।